तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम एक्सपेरिमेंट सीखेंगे वो एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हमें वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है। जब तक हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो सीमेंट का नहीं निकलेगा तब तक हम कोई भी आगे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास हम चेक करेंगे जनरली वो हमारे पास 52% से लेके 32% के बीच में लाया जाता है, ठीक है। तो हम पहले ट्रायल मेथड से 30% ऑफ वाटर लेके हम वाटर सीमेंट रेशियो को निकालेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो में यहाँ पे प्लंजर की वैल्यू आएगी जितना वो प्लंजर डिप करेगा नीचे, ठीक है, और प्लंजर की वैल्यू 5 to 7 mm पे के बीच में हमारे पास जब आएंगे तब हमें नोट करने की कितनी परसेंटेज ऑफ वाटर हमने यूज किया था सीमेंट के साथ मिक्स करने के लिए। तो हम ट्रायल बेसिस पे 30% कर रहे हैं, फिर उसे कम करेंगे 28, फिर उसे कम करेंगे 26%, ऐसे हम कम करते जाएंगे, ठीक है। हमारा जनरली 20-22 से लेकर 32% के बीच में आता है। अब सबसे पहले हम इसके लिए हमारे जो जो हमें चाहिए ऑपरेटर्स, हमें चाहिए टॉवल, ठीक है, उसके अलावा हमें प्लेट चाहिए। हमारे पास ये विकार्ट ऑपरेटर्स है, विकार्ट प्लंजर है। विकार्ट प्लंजर कंसिस्टेंसी बताता है और विकार्ट के साथ अगर मैं नीडल यूज करूँ तो वो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम बताता है, क्लियर है, सीमेंट की इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। अभी हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने मोल्ड यूज करा है ग्लास प्लेट, ताकि यहाँ से जो हमारे अच्छा बेस उसको मिल जाए सीमेंट बाहर मारने के लिए जब वो बेस फॉर्म में होगा, क्लियर है। मिक्स करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर में उसको मिक्स करेंगे, वो पीछे पड़ा ठीक है, वो दे दो, ठीक है। हम इसके अंदर इसको मिक्स फिल कर लेंगे अपना जो भी वाटर सीमेंट लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं सीमेंट लेंगे, हमें इनिशियली हम ले रहे हैं 300 ग्राम ऑफ सीमेंट, ठीक है। तो हम इसको मेजर करेंगे 300 ग्राम, ये मेजर कर चुके हैं ऑलरेडी, मेजर कर चुके हैं, तो 300 ग्राम के अंदर सीमेंट है, ठीक है, हमने इसके अंदर सीमेंट डाल दिया। अब ये हमारे पास हमने 300 ग्राम का 30% ऑफ वाटर लिया, इट मीन्स 90 ग्राम, और इसके अंदर 90 ml ऑफ वाटर, हमने 90 ml ऑफ वाटर इसके अंदर हमें मिक्स करना है, ठीक है। तो सचिन आप करेंगे, जैसे आप निकालेंगे ऐसा, ठीक है, बच्चों को धीरे धीरे कर दिया, धीरे धीरे मैं करेंगे सारी बात, सारा का सारा प्रोसीजर 4 मिनट कम्प्लीट हो जाती है, डिप करके सीमेंट में पानी डालने से लेके उसके अंदर डिप कर देता है, ठीक है। 11 मिनट पर हमने स्टार्ट किया था, ताकि वर्ड्स ना हो, तो इसको हमें क्या करते हैं अच्छे से कंट्रोल करना है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा।
इंग्लिश से तो प्लेस कर दिया, लाहौर हमने इसको जन्म रखे बोल दिए हमारे पास अभी रीडिंग आ रही है यहाँ पे 45, अभी 45 रीडिंग आ रही है, ठीक है उसको बताएंगे मैं इसको फ्री बोल करूंगा। थर्टी सेकेंड्स तक हमें देखना है कि 30 सेकेंड्स हम देखेंगे। अभी वैल्यू आई है 21 पे, 42 पे जब हमने स्टार्ट किया 21 पे, तो कितना गैप आया उसका, हाउ मच अदर 21 एम आया, हमें 5 और 7 तक की रीडिंग आनी चाहिए, तो मतलब हमें परसेंटेज सिमिलिटी जो हमने ऑर्डर डाला था वो हमें और कम करना पड़ेगा। तो अभी हमने कितने परसेंट लिया था, हमने लिया था 30%, अब हम लेंगे इसका कितना 28 कर दिए, ठीक है तो निकालेंगे 28% के लिए सेम प्रोसीजर करेंगे। वीडियो पॉज कर दो, 26% ऑफ ऑर्डर लिया ऑर्डर करने के लिए, ठीक है मॉडल में सेम प्रोसीजर 100 ग्राम ऑफ सीमेंट करने 6% निकालेंगे, उतना एमएम में हम वाटर या 50 ग्राम से हम वाटर लेंगे तो इसको ऑर्डर आ जाएंगे। और जो रीडिंग आनी चाहिए वो 7 to 10 mm के बीच में, यहाँ तक 5 to 7 नहीं, वो 7 to 10 mm है। अब हमारा स्टार्ट हो जाए 41 से, ठीक है जाएगी जब आया हमारे पास, तो हमारे पास कितने पे आया होता है 26%, ठीक है। और हमारे पास क्या कहते हैं तो हम 26-27% 100% ले सकते हैं, 100% भी ट्राई कर लेते हैं, सेकंड पता चल जाएगा कि एक्यूरेट 7-28 पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है 28 वाला 26% ही है। हमारे पास सीमेंट का जो मास है वो 300 ग्राम ही है, वाटर सिमिट्रेशन 26% लिया, ठीक है। तो जब आपको रीडिंग 28 लिया, ठीक है, पहले 26% लिया था, अब 28% हमने लिया इसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरी रीडिंग है फिर से 41 पे, हम चेक कर रहे हैं के अंदर चलेगी, इस टेम्परेचर के ऊपर रूम टेम्परेचर में, ओके बैठ सकते हैं।